दो, विनम्रता। सबसे पहले ये बता दूं कि विनम्रता चरित्र का वह सद्गुण है जो सुसंस्कृत होने का परिचय देती है। इसलिए जो है विनम्रता से ही व्यक्ति की पहचान होती है कि व्यक्ति किस प्रकार का है। चलिए हम लेसन एक्सप्लेन करते हैं। अपने काम के सिलसिले में शर्मा जी से मिलना था। लेखक को जो है अपने काम के सिलसिले में जो है शर्मा जी से मिलना था। मैं उनके घर की ओर मुड़ा ही था कि देखा शर्मा जी का बेटा विराट अपने संगीत साथियों के साथ खेल रहा है। मैंने उसे आवाज देकर पूछा, क्या पापा घर पर हैं? हाँ हैं, संक्षिप्त उत्तर देकर मैं बिना मेरी ओर ध्यान दिए वह खेलने में ही व्यस्त रहा। मुझे ही उससे दोबारा कहना पड़ा, अरे भाई विराट, पापा को मेरे आने की सूचना नहीं दोगे? पापा आपसे मिलने वीरेंद्र अंकल आए हैं। उसने दरवाजे की तरफ मुंह करके वहीं से चिल्लाकर कहा और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। मैं ठगासा दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। यहाँ पर जो है लेखक बता रहा है कि व्यक्ति की पहचान किससे होती है? हमारे विनम्रता के द्वारा ही पहचान होती है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। अब यहाँ पर जो है अपने काम के सिलसिले में वो जो है किससे मिलने के लिए आए थे? शर्मा जी से मिलने के लिए आए थे। अब शर्मा जी कि यहाँ पर पहुंचे तो रास्ते में ही उनका बेटा जो है शर्मा जी का बेटा सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में खेल रहा था। तब उनसे ही पूछा उन्होंने कि क्या आपके पापा घर पर हैं? तब उन्होंने जो है ना प्रणाम किया ना नमस्ते किया, सीधा उत्तर दे दिया कि बिना ध्यान किए, कि कुछ भी नहीं बोला उनको और अपना वह खेलने में ही व्यस्त रहा। फिर उसके बाद में दोबारा उसने पूछा, तब वो कहीं जा करके जो है सूचना देता है, कहीं जाकर के बोलता है कि हाँ ठीक है मैं बता रहा हूँ करके, तो वो अपने पापा को वहीं से आवाज़ दे देता है कि पापा जो है वीरेंद्र अंकल आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार से जो है वो वहीं पर चिल्लाते चिल्लाते अपने दोस्तों के साथ खेलते ही वो चिल्ला कर कह देते हैं कि वीरेंद्र अंकल आए हैं। उन्होंने जो है दरवाजे की तरफ वो देखता भी नहीं और वहीं से बोल देता है। अब पूरी तरीके से जो है ना वो बैठने के लिए कहते हैं लेखक को ना कुछ, तो इस प्रकार से जो है वो वहां पर चुपचाप खड़े ही रह गए। अब उसके बाद में देखिए आवाज सुनकर शर्मा जी की बेटी विधु दौड़ती हुई आई और वहीं पर जो था ये किसकी बातें हो रही थी? ये उनके शर्मा जी के पुत्र की बातें हो रही थी। अब वहीं पर जो है उनकी पुत्री विधु आई और उन्होंने कहा, बाहर खड़े देखा तो उन्होंने कहा, झुक करके सबसे पहले नमस्कार किया और उनसे बोली, आइए पापा तो आपकी ही प्रतीक्षा करें। उन्होंने उत्तर दिया कि आइए अंकल जी बैठिए, पापा तो आपके ही क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, मतलब रास्ता देख रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। आपका भेजा संदेश उन्हें मिल गया था, आपने जो संदेश दिया था उन्हें वे मिल गया था। बैठाने के बाद अपने मम्मी पापा को मेरे आने की सूचना दी और मेरे लिए जल ले आई और बोली, अंकल जल लीजिए। उन्होंने उनको सुनिश्चित स्थान पर बिठाया और उसके बाद में अपने मम्मी पापा को उन्होंने जाकर के सूचना दी कि वीरेंद्र अंकल आए हैं और पहले सबसे पहले उन्होंने जल ला करके दिया और जल ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से जो है उन्होंने कहा। आगे देखिए उसका सहज सुमधुर और शिष्टाचार पूर्ण कथन सुनकर मन को संतोष हुआ। यहाँ पे जो उसकी वाणी को सुनकर के जो है लेखक के मन में क्या हुआ? संतोष हुआ, मतलब खुशी मिली। सोचने लगा विराट पढ़ने में तेज है और अपने नाम की तरह उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है, फिर भी लोगों की प्रशंसा की पात्र विधु ही है, कारण है विनम्रता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो है वो वहीं के वहीं अंकल सोचने लगे कि जो विराट है उनका जो पुत्र है पढ़ाई लिखाई में वो क्या है, वो होशियार है, लेकिन जो है उनका स्वास्थ्य से भी ठीक है, लेकिन वहीं उनकी तुलना में जो है उसकी प्रशंसा नहीं होती जबकि होनी चाहिए। किसकी थी? उसकी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में क्या है वो होशियार है, उसकी प्रशंसा नहीं होती।
जबकि वहां पर किसकी प्रशंसा हो रही थी? विदु की हो रही थी। अब विदु की क्यों हो रही थी? क्योंकि उनमें जो है विनम्रता था, उनमें ये था कि सामने आए हुए आगंतुक का कैसे कैसे बातें करना है, कैसे उनका आदर सत्कार करना है। तो ये जो है हमारी किसकी पहचान है? ये विनम्रता की पहचान है। जो विनम्र स्वभाव है उसको जानते हैं और तभी हम उसकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए जो यहाँ विधु की विनम्रता को देख करके वो प्रसन्न हो गए। अब देखिए उसके बाद में, विनम्रता चरित्र का सद्गुण है और सुसंस्कृत होने का परिचय पत्र है। क्योंकि विनम्रता व्यक्ति के मन में या व्यक्ति का स्वभाव का जो है विनम्रता ही क्या देती है? परिचय देती है, पहचान कराती है। क्योंकि जो है विनम्रता ही एक ऐसा है चरित्र है कि उससे ही व्यक्ति की क्या होती है, सद्गुणों का पहचान होता है कि ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से देखिए, अगर हमारा स्वभाव अच्छा है तो व्यक्ति किसकी तरह से आकर कैसे आता है? यह एक ऐसा चुंबक है जो संपर्क में आने वाले को परबस अपनी ओर खींच लेता है। विनम्रता एक ऐसा चुंबक की भांति होता है कि वे दूसरों को क्या होता है, चुंबक की तरह खींच लेता है। मतलब व्यक्ति उसके स्वभाव से क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है और वह जो है उसके पास आने लगता है। फिर इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपने विनम्र व्यक्ति की मतलब बोली मृदुल मतलब मीठी वाणी से, उसके आचरण से जो है व्यक्ति क्या हो जाता है, गदगद हो जाता है, मतलब प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है विनम्र व्यक्ति की पहचान होती है। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी बन जाएगा कि विनम्र व्यक्ति की पहचान कैसे होती है, तो विनम्र व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव से होता है, उसके चरित्र से होता है कि वो आगंतुक का स्वागत कैसे करते हैं, उनका बोलने का तरीका कैसा है, वो आदर सत्कार लोगों का कैसा करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वे विनम्रता की पहचान हो जाती है।